आइए आज शिवरात्रि के उपलक्ष में दर्शन करते हैं भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिरों के। भारत उन कई देशों में से एक है जहां पूजा पाठ और मंदिर गुरुद्वारों की बहुत महत्वता है। हिमालय की चोटी से लेकर साउथ के कन्याकुमारी तक मंदिर ही मंदिर बसे हुए हैं। हिंदू धर्म में तीन भगवानों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की अत्यधिक महत्वता होने की वजह से लोग इनके दर्शन के लिए जाने कहां कहां से आते हैं। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। शिव भक्ति की कृपा हर कोई पाना चाहता है। भारत में हमें शिव भगवान के कई मंदिर देखने को मिलेंगे। केदारनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, अमरनाथ, लिंगराज, इन सब शिव मंदिरों पर वैसे तो रोजाना ही भीड़ होती है, मगर शिवरात्रि पर यहाँ अत्यधिक भीड़ देखी जाती है। हर शिव मंदिर के पीछे एक न एक कहानी छुपी हुई है। अगर आप भी किसी शिव मंदिर घूमने या फिर अपने बूढ़े माँ बाप को शिव दर्शन करवाने के लिए योजना बना रहे हैं, तो हम आपको कुछ शिव मंदिरों की जानकारी देंगे जो कि पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले है काशी विश्वनाथ मंदिर। उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सम्मिलित होने के साथ चार धाम और पंच केदार में से भी एक है। यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जनमेजय ने कराया था। यहाँ पर मौजूद शिवलिंग काफी प्राचीन है। उसके बाद आता है अमरनाथ गुफा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। इसके बाद है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात में सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसे अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। इसके बाद देखते हैं लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये इस शहर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। धार्मिक कथा है कि लिट्टी तथा वसा नाम के दो भयंकर राक्षसों का वध देवी पार्वती ने यहीं पर किया था। संग्राम के बाद उन्हें प्यास लगी तो शिवजी ने कूप बनाकर सभी पवित्र नदियों को योगदान के लिए बुलाया। यहीं पर बिंदु सागर सरोवर है तथा उसके निकट ही लिंगराज का विशाल काय मंदिर है। आइए देखते हैं मुरुद्वेश्वर शिव मंदिर। यह मंदिर कर्नाटक में है। यह मंदिर हिंदू भगवान शिव के नाम पर ही पड़ा है, मुरुदेश्वर। यहाँ विश्व में भगवान की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है। यह मंदिर अरब सागर के तट पर है और मैंगलोर से 165 किलोमीटर दूर अरब सागर के बहुत ही सुंदर
एवं शांत तट के किनारे बना हुआ है। और उसके बाद है मल्लिकार्जुन। ये मंदिर कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर पर तरह तरह की नक्काशी की हुई है जो कि देखते ही बनती है। उसके बाद महाकालेश्वर मंदिर जो मध्य प्रदेश में है और ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का एक प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है और ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद आता है बैद्यनाथ धाम। देवघर भारत के झारखंड प्रांत का एक शहर है। यह शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और इस शहर को बाबा धाम नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शैव पुराण में देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है और यहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित है। हर सावन में यहाँ लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है जो देश के विभिन्न हिस्सों सहित विदेशों से भी आते हैं। ये देखिए रामेश्वरम। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और यह तीर्थ हिंदुओं के चार धामों में से एक है। इसके अलावा यहां स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की है। अंत में हम आपको दर्शन करवाते हैं पंजाब के प्राचीन मंदिर का जो 550 साल पुराना है, नलाश। कहने वाले कहते हैं कि शिव या तो मिलते हैं कैलाश में और या फिर नलाश में। ये भोलेनाथ का ऐसा चमत्कारी मंदिर है जहां मौली बांधने से हर मन्नत होती है पूरी। यहां खुद प्रकट हुए थे शिवलिंग। मंदिर के प्रांगण में 108 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा एवं 140 फुट ऊंचा उनका त्रिशूल स्थापित किया गया है। शिव के इस प्राचीन मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है लेकिन सावन और शिवरात्रि पर राजपुरा के इस मंदिर में विशेष महत्व होता है। यहाँ लाखों लोग मन्नत मांगते हैं और मान्यता है कि यहाँ आए भक्तों की कोई मुराद खाली नहीं जाती। आप सभी को द पंजाब पल्स और मेरी यानी मेघा की तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाए या व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलो कैलाशपति महाराज की जय हो।